हाय, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो सेक्शन से रिलेटेड है। हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, सर क्या मुझे सेक्शन याद करना चाहिए? अगर मैं सेक्शन याद ना करूं तो क्या होगा? अगर मैंने सेक्शन एग्जाम में लिख किया है तो क्या होगा? अगर मैंने गलत सेक्शन लिख दिया तो क्या होगा? इस तरीके से काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं हमारे दिमाग में सेक्शन को लेकर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, क्या सेक्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है किसी एग्जाम में, तो और सेक्शन अगर आप याद करना चाहते हो तो क्या तरीका है जिससे आप अपने सेक्शंस को आप याद कर सकते हो, चाहे वो कंपनी लॉ का हो या इनकम टैक्स का हो या इनडायरेक्ट टैक्सेशन में का हो। मैंने अपने ड्यूरिंग दी स्टडी अगर आप मेरे से पूछो तो मैंने बहुत सेक्शंस याद किए, बिकॉज मेरा पढ़ने का एक थोड़ा अलग तरीका था। मुझे जब तक मैं सेक्शंस के साथ नहीं पढ़ता था, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो मैं खुद में कॉन्फिडेंस लाने की वजह से मैंने इनकम टैक्स के भी सेक्शंस याद किए, कंपनी लॉ के भी सेक्शंस याद किए और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सेक्शन आती है। आज तो आपको GST पढ़ना है, तो GST में सिर्फ आपको मतलब CGST और IGST के सेक्शंस याद करने पड़ते हैं, SGST के सेक्शंस नहीं याद करने पड़ते हैं। बट जब मैंने स्टडी किया था तो उस समय कस्टम के भी मुझे सेक्शंस याद करने पड़ते थे, उस समय मुझे सर्विस टैक्स के भी सेक्शंस याद करने पड़ते थे, एक्साइज के भी सेक्शंस याद करने पड़ते थे, वैट के भी सेक्शंस याद करने पड़ते थे, एंड भी बहुत सारे लॉ थे जिसके मुझे सेक्शंस याद करने पड़ते थे। बट अब आपको GST में सिर्फ 2 लॉ है और एक आपके पास कस्टम है, तो आपको 3 लॉ के सेक्शन याद करने पड़ेंगे। तो और पुराने लॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी थे जिससे सेक्शन याद करने में डिफिकल्टीज भी होता था, एंड इसके अलावा भी केस लॉज भी होते थे। बिकॉज GST आने से पहले एक्साइज में बहुत ज़्यादा केस लॉ थे, सर्विस टैक्स में भी बहुत ज़्यादा केस लॉ थे, तो आपको वहाँ केस लॉ भी याद करना पड़ता था बिकॉज केस लॉ के भी क्वेश्चन आते थे। बट GST अभी नया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और जो भी GST के केस लॉज मार्केट में आए हैं बट इंस्टीट्यूट ने अभी तक उसको स्टडी मटेरियल में इंसर्ट नहीं किया है केस लॉज को, तो अभी आप केस लॉज से आप थोड़ा दूर हो इन केस ऑफ GST। तो मैं आपको बताऊँ सेक्शंस का इंपॉर्टेंट कितना होता है। अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछो तो सेक्शन एग्जाम में एक 5 मार्क्स का वेटेज भी बन सकता है। बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं सेमी फाइनल में था और इंटर में भी था, मेरे टाइम में इंटरनेशनल टैक्सेशन इंटर में भी था, तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन आता था वो कभी कभी डायरेक्ट सेक्शन का आ जाता था, या फिर आपको कभी कभी हाउस प्रॉपर्टी या किसी अदर चैप्टर्स के डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वो क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का एक क्रिटिकल क्वेश्चन होता है। फाइनल में भी होता है ऐसा, इंटर में भी होता है। तो अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख पाओगे। उसके आपको सारे प्रोविजंस याद भी हैं तो भी आप नहीं लिख पाओगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि वो कौन सा सेक्शन है, उसके प्रोविजंस क्या है। तो इसलिए आपके पास एक 5 मार्क्स का वेटेज आपके पास से बाहर जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये इसका डिसएडवांटेज है अगर आप सेक्शन याद नहीं करते हो। सेकंड, अगर आप सेक्शन एग्जाम में लिख के आते हो तो उसका क्या एडवांटेज होगा? अगर आप सेक्शन एग्जाम में लिख के आते हो तो एग्जामिनर्स आपके मार्क्स बहुत कम डिटेक्ट करेगा, मार्क्स डिडक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिकॉज जब भी आप सेक्शन लिखोगे तो आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के बाद आप नोट्स बनाओगे, एंड नोट्स में आप सारे सेक्शन लिखोगे, सारे प्रोविजंस लिखोगे, एंड आपके सारे प्रोविजन सेक्शन के साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्प्रेशन वो क्रिएट करेगा आपका। और मेरे साथ साथ एक इसका एडवांटेज मुझे मिला, मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेशन में इंटर में भी एंड फाइनल दोनों जगह एग्जम्पशन आया। बिकॉज उसके पीछे रीजन ये था कि मैंने सेक्शंस, केस लॉ, सारा कुछ उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के नोट्स में मैंने मेंशन किए, जिसकी वजह से वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले दोनों टाइम, तो उसका एडवांटेज ये मुझे मिला। हाँ, कंपनी लॉ में मेरे एग्जम्पशन नहीं आए इंटर और फाइनल, बिकॉज मेरी राइटिंग स्किल्स शायद उतनी अच्छी नहीं थी जो उन्हें उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, तो जिसकी वजह से मुझे मार्क्स कम है कंपनी लॉ में। बट इनडायरेक्ट टैक्सेशन मुझे सेक्शंस और केस लॉ की वजह से उसमें अच्छे मार्क्स है। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनके इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एग्जम्पशन नहीं है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एग्जम्पशन आता है। तो मैं आपको बताऊँ सेक्शन आपको याद करना चाहिए। सेक्शन याद करने का एडवांटेज क्या है कि फर्स्ट तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेकंड अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे वहाँ पे डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाएगा, प्रोविजन वहाँ पे आपको 83 के डिडक्शन पूछे जाएंगे, उसके डिडक्शन नहीं बताए जाएंगे। कहीं भी आप जाओगे तो आपको सेक्शन 54 में जो एग्जेम्पशन है रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स आपसे वो पूछे जाएंगे कि सेक्शन 54 में क्या है, 54B में क्या है, 54D में क्या है, 54EC में क्या है, 54EE में क्या है, 54H में क्या है, ये आपसे सेक्शन पूछे जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या है ये पूछा जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी के अदर सेक्शन 24A 24B ये क्या है ये पूछा जाएगा। आपसे कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, तो आपको इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और उसकी आदत आपको अभी से डाल लेनी चाहिए, बिकॉज किसी भी लेवल पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो
आपको अगर सेक्शन याद करना चाहते हो तो आप किस तरीके से आप सेक्शन याद कर सकते हो, बिकॉज आप सेक्शन लेके और एक दिन बैठ के याद तो करोगे नहीं, अगर आप ऐसे लेके बैठ के याद करोगे तो कभी सेक्शन याद नहीं होगा। सेक्शन याद करने का एक अलग तरीका है जो मैंने फॉलो किया, और वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से सेक्शंस को याद किया। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ये CMA इंटरमीडिएट की है, जस्ट मैं रेफरेंस के लिए मैंने लिया है, मैं आपको तरीका बताने के लिए मैंने रेफरेंस लिया है। ये सपोज CMA इंटर की जो बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चैप्टर एंड इस चैप्टर के साथ यहाँ पे सारे सेक्शंस हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो सारे सेक्शंस मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हो सारे सेक्शंस के साथ इन्होंने दे रखे हैं। तो मैं जब क्या करता था, अपने टाइम रिवीजन करने के मैं बैठता था, तो यहाँ पे मेरे टाइम में बुक्स में इस तरीके से सेक्शंस मेंशन नहीं थे, तो मैंने एक अपनी लिस्ट बनाई थी कि मुझे कितने सेक्शंस याद करने, बिकॉज सारे सेक्शंस तो आप याद नहीं कर सकते, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो आपको डेफिनेटली याद करने चाहिए। जैसे अगर आप इनकम टैक्स की बात करो तो इनकम टैक्स में आपको सारे एग्जेम्पशन के सेक्शन याद होने चाहिए, सारे डिडक्शन के सेक्शन याद होने चाहिए, एंड इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कैपिटल गेन हो गया, PGP हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया एंड सैलरीज हो गया, इन चार हेड और अदर सोर्सेज, इन पांचों हेड के आपको सेक्शंस याद होने चाहिए प्लस डिडक्शन के सेक्शंस याद होने चाहिए। अगर इसके अलावा बाकी क्लबिंग सेट क्लबिंग के सेक्शंस याद नहीं है, सेटअप कैरी फॉरवर्ड के आपको सेक्शंस याद नहीं है, अपील एंड रिविजन के सेक्शंस याद नहीं है तो चलेगा, बट इन पाँच हेड और प्लस डिडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको सेक्शंस याद होने चाहिए तभी आप एग्जाम में इसके लिख सकते हो। अगर आपसे पूछे सेक्शन 54 में, जैसे आपने किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आप कैपिटल गेन का सॉल्व कर रहे हो और अगर आपने एग्जाम्पन क्लेम किया अंडर सेक्शन 54, तो आपको एग्जाम में लिखोगे तो आपने किस सेक्शन के अंदर आपने ये एग्जाम्पन क्लेम किया। अगर आप 80C का डिडक्शन लिख रहे हो तो आपको बताना तो पड़ेगा कि आपने डिडक्शन किस सेक्शन किस हेड के प्रोविजन के अकॉर्डिंग दिया है, नहीं तो सामने वाला कैसे समझेगा। तो इसलिए वहाँ पे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब सेक्शन याद करने का तरीका यही है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जब क्या करता था, मैं सेक्शन जैसे 23 हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का, नहीं 23 नहीं 22 चार्जिंग सेक्शन है, 23 GAB कैलकुलेशन रिलेटेड है, तो 22 23 24 25 26 27 ये हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन हैं। मैंने इनकी एक लिस्ट बना ली और हर एक सेक्शन के बगल में उसका प्रोविजन लिख लिया अपने कॉपी में। ओके, अब जब मैं कभी भी हाउस प्रॉपर्टी को रिवाइज करने जाऊंगा तो सेक्शन 22 अपने साथ में रखूंगा, उसके चार्जिंग सेक्शन के प्रोविजन नहीं रखूंगा। सेक्शन 22 देखूंगा, उसमें क्या होता है, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, एप्रीपेंट डेट होना चाहिए, ओनरशिप उसका आपके पास ओनरशिप होना चाहिए, आपका उसमें खुद का बिजनेस और प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। सेक्शन 22 में ये प्रोविजन लिखा हुआ है, मैंने मुझे याद हो गया, मुझे सेक्शन 22 भी याद हो गया एंड उसके प्रोविजन भी याद हो गए। सेक्शन 23 GAB कैलकुलेशन से, तो उसके फिर मैंने प्रोविजन को रिकॉल किया कि उसमें आखिर क्या कह रहा था सेक्शन 23 में। सेम फिर 24 में गया, 24 में सेक्शन 24A है एंड फिर सेक्शन 24 सब सेक्शन B है, फिर 24A क्या बोलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करता है, 24B क्या बोलता है, इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, फिर उसके सारे प्रोविजंस को मैंने रिकॉल किया अपने दिमाग में। मैंने कॉपी नहीं देखा है अभी तक, मैं इस तरीके से मैं करता था। एंड सपोज फिर होता है कि मैं फिर किसी सेक्शन पे गया और मुझे सेक्शन याद नहीं है, ठीक है, इन डैट केस फिर मैं वहाँ पे कॉपी खोलता था एंड उसमें मैं देखता था कि इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर मैं उसके कुछ शॉर्ट नोट्स में अपने सेक्शन वाले पेन लिस्ट में लिख लेता था इसके बगल में। अब जैसे होता क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ये आपके सामने PGP के सेक्शन से, अब यहाँ पे क्या होता है, 20% के आपके पास डिडक्शन होता है, एडिशनल डिडक्शन एंड प्लस किसको मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए या फिर प्रोडक्शन कंपनी में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ना आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो, यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो इस सेक्शन के बगल में, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको इसके परसेंटेज भी याद हो जाएंगे, आपको सेक्शन भी याद हो जाएगा। तो इस तरीके से करके करो एंड देन फिर आप सिर्फ सेक्शन से आप याद करो, आप एक बार दो बार तीन बार आप बुक पढ़ लो और जब भी आपको रिवीजन करना हो सिर्फ आपके पास तो सेक्शन की लिस्ट होनी चाहिए, आप उससे जब भी रिकॉल करोगे ना, आप देखना 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आपको सारे सेक्शन याद होने शुरू हो जाएंगे, जितना भी सेक्शन आप याद करना चाहते थे। तो मैंने ये ट्रिक को बहुत ज़्यादा यूज किया है फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, एंड सिर्फ मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट में नहीं यूज किया, मैंने इसके लिए थ्योरी सब्जेक्ट में भी यूज किया। मैं थ्योरी सब्जेक्ट में क्या करता था, अब जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में मैं करता क्या था कि मैं क्वेश्चन फॉर्म में बना लेता था,
जैसे बेंचमार्किंग है, बेंचमार्किंग का क्वेश्चन बना लिया मैंने, ईआरपी का है, ईआरपी का क्वेश्चन बना लिया मैंने, अदर कॉन्सेप्ट है उसके मैंने क्वेश्चन फॉर्म्स मैंने ड्राफ्ट कर लिया, इस तरीके करके मैं सारे क्वेश्चन फॉर्म में ड्राफ्ट कर लेता था एंड देन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर मैं रिकॉल करता था, एंड कभी रिकॉल हुआ कभी रिकॉल नहीं हुआ, देन उससे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि कितनी चीज़ें आपको याद हो चुकी है कितनी चीज़ें याद नहीं हो चुकी है। बिकॉज जब आपके पास बुक हाथ में होगा तो आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब आप उसको बंद करोगे तब पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें आती है और कितनी चीज़ें नहीं आती। तो होप तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि सेक्शन कैसे याद करने हैं और किस तरीके से आप सेक्शन याद कर सकते हो, और डेफिनेटली आपको सिर्फ एग्जाम में नहीं जब आप क्वालिफाई करके कहीं इंटरव्यू भी देने जाओगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मैं इतना मैं श्योर हूँ। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो या आप कैंपस में जा रहे हो या फिर आप ऑफ कैंपस कहीं अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हो, वहाँ पर 2D सेक्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए डिसएडवांटेज होगा अगर आपने सेक्शन नहीं याद किए। मैं अगर आपको लिटरली बताऊँ, मैंने जब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गया था तो भी वहाँ पे मेरे से सेक्शंस पूछे गए थे, ONGC में सेक्शन पूछा गया था, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मेरे से सेक्शंस पूछे गए थे, इसके अलावा आफ्टर क्वालिफिकेशन जब मैं कैंपस में गया वहाँ भी मेरे से क्वेश्चन सेक्शंस से पूछे गए थे, LNT के केस में वहाँ भी उन्होंने अमेंडमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, और डायरेक्ट टू दी सेक्शंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको प्रोविजन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको सेक्शन याद है तो आप सामने वाले को आप फेस कर सकते हो, आप अच्छे व्यू प्रेजेंटेशन में आप अपना आंसर दे सकते हो, तो काफ़ी चीज़ें आपके अंदर इम्प्रूव करके जाती है कुछ चीज़ें, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करो, आपको बहुत एडिशनल टाइम नहीं निकालना है, बस एक दिन आपको थोड़ा सा टाइम देना है कि आपको एक पेज पे नोट्स बनाने हैं सेक्शन का, दैट्स इट। जितने सेक्शन आप याद करना चाहते हो आप उतने के नोट्स बनाओ, बट एटलीस्ट जो मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए बताया आपको उतना तो होना ही चाहिए। अगर मैं GST की बात करूँ तो एटलीस्ट 1 से लेकर 50 तक का आपका सेक्शन याद होना चाहिए, 1 से नहीं भी करो तो आप सेक्शन 7 से याद करो, सेक्शन 7 सप्लाई का है, एंड सप्लाई से लेकर आप सारा सेक्शन 50-55 तक आप उसको याद कर लो, GST के केस में उतना इम्पॉर्टेंट है। बाकी कंपनी लॉ में तो बहुत सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकता इस वीडियो में। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। होप्स तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो अगर आपको अच्छा लग रहा है, एंड मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।